रे बाबा, दवाई है। और आज हम इसी दवाई को बनते दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आज पर्दाफाश करेंगे दारू की इस मिस्ट्री से कि आखिर ये बनती कैसे है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, आखिर इसे पीने से नशा कैसा होता है, और तो और क्या हो अगर आप दारू की एक पूरी बोतल नीट चढ़ा जाए तो। वेल, स्कॉच विस्की की ये शानदार मैन्युफैक्चरिंग और चखने में ढेर सारी मजेदार बातें जानने के लिए देखते रहें आज की ये वीडियो। वेल दोस्तों, सदियों से इस दुनिया में शराब और शराबियों का बोलबाला रहा है, चाहे मोहब्बत में लगी ठोकर हो या रोज की झिकझिक से पीछा छुड़ाना हो। ये नशीले जाम ही तो हैं जो इस लोक की सभी समस्याओं से दूर ले जाकर आपको एक शीतल एहसास देते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे पिए ही। और हम यानी फैक्ट्री कल्चर शराब के सेवन का जरा भी समर्थन नहीं करते हैं, बिकॉज एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो फिर आइए, इस सख्त वार्निंग के बाद आपको लेकर चलते हैं खास विस्की बनाने वाली इस फैक्ट्री में, जहां आप इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, रामपुर सिलेक्ट और 100 पाइपर जैसे ब्रांड की ओर से आने वाली स्कॉच विस्कीज की मैन्युफैक्चरिंग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शराब के इस सफर का हम सफर बनने से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं विस्की के इतिहास से। वेल, दशकों से इंसान के लिए शराब एक बेहद ही महत्वपूर्ण पेय बना रहा है। महफिलों में जाम से जाम छलकाने हो या फिर महबूबा की जुदाई में हमदर्द बनना हो, ये विस्की ही तो है जिसे दुखियारों का सहारा माना जाता है। मगर विस्की का ये इतिहास इतना भी हैपनिंग नहीं था। इसे बनाने की असल वजह थी नजले जुखाम से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना। तभी तो कहते हैं भैया, ये दारू नहीं दवाई है। वास्तव में जिस ब्रांडी को आज बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है, उसके एवोल्यूशन से ही हमारी ये मॉडर्न डे विस्की बनकर तैयार हुई है। बेसिकली स्कॉच का मीनिंग ही होता है ग्रेन से तैयार हुई एक डिस्टिल्ड अल्कोहल, जिसमें ढेर सारा नशा और सालों का एज्ड एक्सपीरियंस हो। खैर, इस पूरी बैक स्टोरी को सुनकर आप विस्की के इतिहास से तो परिचित हो गए होंगे, मगर आइए अब आपको मिलाते हैं विस्की बनाने की इस एक्चुअल प्रोसेस से। वेल, विस्की को बनाने की शुरुआत होती है इस धधकती हुई भट्टी के सामने जमीन पर फैले हुए अनाज से, जिसे सबसे पहले इन बेलचों से उठा उठा कर ये वर्कर्स इन ड्रायर्स में डालते हैं। ऐसा करना अनाज में से नमी निकालने के लिए बेहद जरूरी होता है। एक बार जब अनाज से सारा पानी सूख जाता है तो इसे एक बड़ी चक्की में डालकर पीस दिया जाता है। इस पीसे हुए आटे को स्पेसिफिकली ग्रास्ट का नाम दिया गया है। फर्दर इस ग्रास्ट को गर्म पानी से भरपूर एक मैश टन में ट्रांसफर किया जाता है, जहां ये अच्छी तरह से मिक्स होकर एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड बन जाता है। उसके बाद इस लिक्विड को ढेर सारे वेसल्स में से गुजार कर इसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आमतौर पर इसे हम वॉश पैक्स के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं वॉश पैक्स में इस लिक्विड में यीस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि ये लिक्विड फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस रफ्तार पकड़ती है तो ऊपरी सतह पर झाग बनने लगता है, और इसी झाग के नीचे अल्कोहल यानी कि दारू होती है। मगर इस दारू को हासिल करना इतना भी इजी नहीं होता। इस कड़ी में अब बारी आती है इसके डिस्टिलेशन की, जिसके अंतर्गत इन बड़ी बड़ी कॉपर फनल्स में से इस वॉश सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, जिसके बाद इस सॉल्यूशन में मौजूद सारी इंप्योरिटीज छनकर अलग हो जाती है और अल्कोहल भाप बनकर नली के दूसरी ओर आ जाता है। ये प्रोसेस ठीक वैसी ही है जैसे उबलता हुआ पानी भाप बनकर कढ़ाई पर ढकी थाली से टकराता है और फिर पुनः तरल पानी में बदल जाता है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इस प्रक्रिया को एक नहीं बल्कि दो दो बार दोहराया जाता है, जिससे वॉश लिक्विड्स में जरा भी इंप्योरिटीज नहीं बचती और बदले में हमें मिलती है ये 100% शुद्ध स्पिरिट। मगर अब भी इस स्पिरिट को विस्की का रूप लेने में काफी वक्त लगता है, और फाइनली इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन ओक वुड के बने बैरल्स में स्टोर किया जाता है, ताकि इनमें आगे की मैचुरेशन की प्रक्रिया से गुजारा जा सके। मैचुरेशन की ये प्रक्रिया दारू को एक शानदार टेस्ट और स्मूथनेस प्रदान करती है। इनफैक्ट कुछ महीनों बाद जब मैचुरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हमारी शराब के सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद ही इसकी टेस्टिंग की जाती है। और इस स्वाद के सफर में नो डाउट हमारी दारू विजय पताका फहरा देती है। आई मीन, हमारी ये फाइनेस्ट विस्की बनकर तैयार होती है
जिसे इसके चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए बड़ी ही प्यार से इन चमचमाती कांच की बाटलियों में भरकर आपके नजदीकी ठेकों तक पहुंचाया जाता है। और कुछ ऐसे खेत के अनाज से महफिल के जाम तक का सफर तय किया जाता है। वैसे शराब पीना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो अपनी कहानी हमें कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और बोनस में सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। वेल, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।